हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र कारी। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये कम से कम चेस की नहीं रहने वाली है। फ्रेंड्स, आजकल जो भी हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देख रहे हैं ये कभी ना कभी तो शुरुआत हुई होगी इसकी, कभी ना कभी अपनी शैशव अवस्था में रही होगी। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि इंडियन एंशियंट साइंस वॉज एट इट्स पार, बहुत कमाल का हमारे पास ज्ञान। क्या वाकई में हमारे पास कुछ ऐसा ज्ञान विज्ञान था जिसकी मदद से आज की टेक्नोलॉजी को हमारे उस शोध से कुछ मदद मिल सकी हो? तो फ्रेंड्स, आज की ये मेरी वीडियो इसी टॉपिक के इर्द गिर्द रहने वाली है, डिस्कवरीज ऑफ इंडिया, यू कैन से दैट डिस्कवरीज बाय इंडियंस। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक नए सफर पर चलते हैं और अपने इस सफर की शुरुआत हम करते हैं एस्ट्रोफिजिक्स से, एंशियंट इंडिया से। फ्रेंड्स, अगर एंशियंट इंडियन साइंस की बात हो और खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोफिजिक्स की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यही मेरा टॉपिक आज की शुरुआत को करने वाला होगा। आज जितने भी मेरे टॉपिक्स रहने वाले हैं जस्ट एक स्क्रैच पर है, आगे फर्दर जो मेरी कुछ वीडियोज आएंगी उसमें इसके बारे में हम जरूर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए, हमारी स्लाइड में आपको कुछ तारे नजर आ रहे होंगे और कुछ लाइंस नजर। तो फ्रेंड्स, ये तारा या तारा मंडल मैं कहूं तो इसको बोलते हैं वृश्चिक तारा मंडल या स्कॉर्पियो कॉन्स्टिलेशन। और हमारा अभी का जो टॉपिक रहने वाला है वो है इससे ऊपर से तीसरे तारा यानी एंटारेस। फ्रेंड्स, एक आइडिया देने के लिए कि नाइट स्काई में एंटारेस दिखने में कैसा लगता है, इट इज द 15th ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट विजिबल टू नेकेड आई। लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसका नाम रखा ज्येष्ठा। ज्येष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़ा। सरप्राइजिंगली अगर हम आज उस एंटारेस को कंपैरिजन करें अपने सन से तो इट इज फाउंड टू बी द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट एवर नोन इन द विजिबल स्काई। फ्रेंड्स, अगर हम कंपैरिजन करें, सन आपको यहां एक डॉट भर नजर, और एंटारेस का साइज इसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं। एंटारेस को अगर हम अपने सोलर सिस्टम में प्लेस करें तो इट्स आउटर बाउंड्रीज वुड बी अप टू जुपिटर। और अब आप इमेजिन कीजिए कि कुछ लोगों ने 15th ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट का नाम ज्येष्ठ रखा यानी सबसे बड़ा रखा। इज इट अ मेयर कॉन्सिडेंस? लगता तो है, लेकिन अगली मेरी इमेज को देखकर शायद ये जो कोइंसिडेंस वाली बात है थोड़ी और इसको बढ़ावा मिलेगा। अगला मेरा फोकस रहने वाला है फ्रेंड्स इस कॉन्स्टिलेशन नोन एज सेंटॉरस। सेंटॉरस कॉन्स्टिलेशन में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में था तो मेरे टीचर ने मुझसे पूछा कि हमारे सबसे नजदीक का तारा कौन सा है। तो मेरा आंसर था सन, लेकिन वो एक मजाक की बात थी। लेकिन हमारे सबसे नजदीक का तारा, उसका नाम है अल्फा सेंचुरी। ये लगभग 4 लाइट ईयर से थोड़ा ज्यादा हमसे दूर है, और हमारे पूर्वजों ने इसका नाम रखा मित्र। मित्र का मतलब आपके जो नजदीक है। क्या ये भी एक कोइंसिडेंस है? लगता तो नहीं है। ये तो भी एस्ट्रोफिजिक्स का एक छोटा सा स्क्रैच। अगला टॉपिक, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं और मैथ्स की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैथ्स की बात आती है तो सबसे पहला नाम एंशिएंट इंडिया में आता है दिमाग में, आर्यभट्ट का, द इन्वेंटर ऑफ जीरो एंड डेसिमल। लेकिन आर्यभट्ट ने क्या केवल जीरो के महत्व को ही समझा था? फ्रेंड्स, जो मेरी अगली स्लाइड है ये है आर्यभट्ट की साइन टेबल, जिसमें एंगल की अलग अलग वैल्यूज में उसकी साइन की वैल्यूज उसके सामने लिखी हुई है। और ये आर्यभट्ट ने दी थी, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कितने हजार साल पहले की बात है। लेकिन कुछ हजार साल पहले आर्यभट्ट, हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे जो साइन टेबल को समझ रहे थे और लिख भी रहे थे। फ्रेंड्स, ये ज्ञान आगे बढ़ता रहा और गणितज्ञों की पूरी श्रृंखला है हमारे देश में, भास्कर, वराहमिहिर। और अगर मैं बात करूं तो एक और सरप्राइजिंग नाम आपको दे देता हूं, भारत के केरल से, केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के फाउंडर माधव। फ्रेंड्स, कैन यू इमेजिन इट कि 14वीं शताब्दी में माधव ने साइन सीरीज और कोस सीरीज को इन्वेंट किया था। लगभग 300 साल पहले जब आइजक न्यूटन ने साइन सीरीज को इन्वेंट किया। और तो और पाई की वैल्यू का फॉर्मूला, इसे हम माधव लेबनीज सीरीज भी कहते हैं, पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 प्लस 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 7 एंड सो ऑन। इन फाइनाइट सीरीज का कॉन्सेप्ट केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी ने ही दिया था, और उसके जनक माधव, वहीं से इन फाइनाइट सीरीज का कॉन्सेप्ट चले, इवन पावर सीरीज एंड सो ऑन। और इनके बारे में हम और भी बहुत कुछ आगे की फर्दर सीरीज में जरूर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई मैथमेटिक्स की बात। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक मेटलर्जी। फ्रेंड्स, एंशियंट इंडियन मेटलर्जी, अगर आप कभी दिल्ली आए हो तो आपने इस व्यू को जरूर देखा होगा, आयरन पिलर एट मेहरौली इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कुतुब मीनार।
फ्रेंड्स, ये पिलर अशोक काल का है, मतलब 2200 2300 साल पुराना ये पिलर है और आयरन पिलर है और अब तक भी इसमें जंग नहीं लगा है। मेटलर्जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ी अचीवमेंट हम कहेंगे रस्ट फ्री आयरन, जो आज तक भी एक मिस्ट्री है। ये एंशियंट इंडिया में थी लेकिन किसी कारणवश हमसे खो गई है। और इस तरह के पिलर न सिर्फ मेहरौली में ही नहीं है, पूरे भारत में बिखरे पड़े हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने बनाए थे। अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो आयरन पिलर ऑफ थार जो राजा भोज ने लगभग 1000 साल पहले के आसपास कभी बनवाए थे, या फिर अगर आप कोल्लूर में केरल में हैं तो वहां के एक मंदिर मुकामनिका टेम्पल में आपको एक आयरन पिलर मिल जाएगा। मैंगलोर में फ्रेंड्स, पूरे देश में इस तरह के आयरन पिलर्स। और आप लोगों ने KGF जरूर फिल्म देखी होगी, कोलार गोल्ड फील्ड्स। फ्रेंड्स, कोलार गोल्ड फील्ड में निकलने वाला सोना हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति में भी यूज किया जाता, यानी कि गोल्ड की माइनिंग हमारे पास यहाँ 5000 साल पहले भी थी। और भारत की सबसे बड़ी खोज जिंक, ये आपको एक साइट दिख रही है राजस्थान में, एक जगह है ज्वार, उदयपुर के आसपास कहीं जगह है ये। वहां पर ये एक एंशियंट डिस्टलरी है, जिंक डिस्टलरी। फ्रेंड्स, पूरे विश्व में जिंक कहीं भी नहीं निकाला जाता था, सिर्फ भारत में ही था। ये जिंक डिस्टलरी 12वीं शताब्दी की है और 15वीं शताब्दी में भारत से कोई चाइनीज लोग थे जो इस टेक्नोलॉजी को लेकर चले गए, और लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी के पास आकर एक विलियम चैंपियन नाम का आदमी था तो चाइनीज से इसे कुछ चुरा कर ले गया। कुल मिलाकर ये भारत से टेक्नोलॉजी चुरा कर यूरोप में पहुंची और यूरोपियंस को पहली बार जिंक देखने को मिला 17वीं शताब्दी में। जिंक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेटीरियल है, कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और मेल्टिंग पॉइंट उसके नजदीक ही है, तो बहुत छोटा गैप है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में। मीन्स अगर हम उसे मेल्ट करते हैं तो बहुत जल्दी वो बॉइल होकर वेपराइज हो जाता है। तो अब चूंकि हम भारतीयों का दिमाग थोड़ा जुगाड़ू होता है, एक्चुअली वो डिस्टिलरी में क्या होता है कि कुछ नीचे आग लग रही होती है, ऊपर कुछ मेल्ट होता है, जो कुछ मेल्ट होता है उसे हम एक्यूमुलेट, उसे हम बाहर निकालते हैं। अब चूंकि उसके साथ वो वेपराइजेशन की प्रॉब्लम थी तो भारतीयों ने क्या करा कि उस डिस्टिलरी को अपसाइड डाउन उल्टा कर दिया। ये तो हुई मेटलर्जी के एक या दो टॉपिक्स की बात। अब चलते हैं जिसके बारे में भारत बहुत जाना जाता है, प्लास्टिक सर्जरी। सर्जरी फ्रेंड्स भारत में तकरीबन तकरीबन 2000 साल से ज्यादा पुरानी है, और इसका एविडेंस देने के लिए मैं आपको एक पिक्चर शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, ये पिक्चर गुवाहाटी की है जो 1700 समथिंग में ब्रिटेन में एक न्यूज़पेपर में छपी थी, और इसके साथ ही काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी थी कि इनकी नाक टीपू सुल्तान ने काट दी थी और इनकी नोज सर्जरी भारत में भारतीयों ने ही की थी, तो अंग्रेजों के लिए ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। एक्चुअली नोज सर्जरी को की विधि जो थी उन्होंने काफी डिटेल्ड में लिखी भी थी, कुछ इस तरह की थी कि फोरहेड स्किन से कुछ ट्राइंगल टाइप में पार्ट ऑफ फोरहेड स्किन निकाल कर उसको वापस अंदर वैक्स वगैरह वगैरह कुछ जैसा कुछ भर के उसकी एक यू कैन से दैट आर्टिफिशियल तो नहीं कहूंगा, एक नाक जरूर तैयार कर दी गई थी। तो अंग्रेजों के लिए बहुत शॉकिंग था और उसको उन्होंने बड़े डिटेल से डॉक्यूमेंटेड किया। और उसके बाद उसके 4 या 5 साल, 3 या 4 साल के बाद हमारी इस टेक्नोलॉजी को अंग्रेज थे जोसेफ कॉन्स्टेंटीन आई थिंक उनका नाम था, यूरोप में पहली नो सर्जरी उन्होंने इससे इंस्पायर होकर की, उनके अपने जर्नल में ये लिखा हुआ है क्या वॉज इंस्पायर्ड विद दिस इवेंट। पर फ्रेंड्स, अगर हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं तो इट मीन्स टूल्स भी जरूर भारत में होते हैं। मेरा भी कहा था कि लगभग 2000 साल से हम लोग प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानते हैं, तो इट मीन्स सर्जरी टूल्स भी भारत में रहे होंगे। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक्स दिए होंगे। एक किताब थी, पुस्तक पुरानी, जिसे हम सुश्रुत संहिता के नाम से जानते हैं, उसकी वॉल्यूम 1 में उसकी ट्रांसलेशन लगभग 1907 के आसपास किसी एक अंग्रेज ने की थी, और उस ट्रांसलेशन के अंदर जो टूल्स थे उस टूल्स को भी उन्होंने प्रेजेंट किया है। और फ्रेंड्स, ये कुछ हुए इमेजेस है उस बुक की, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस बुक को देख सकते हैं। और मेरे लिए यही बहुत सरप्राइजिंग है कि लगभग 2000 साल पहले हमारे यहाँ इस तरह के मेडिकल टूल्स यूज किए जाते थे, और ये लगभग 4 पेज हैं जो उसमें टूल्स दिए गए हैं, और इनके अगर आप नाम पढ़ेंगे भी तो नाम भी व्याघ्रमुख वगैरह वगैरह कुछ इस तरह के इनके नाम हैं। फ्रेंड्स, अगर हम भारत में हैं और भारत में रहते हुए अगर हम स्पोर्ट्स की बात ना करें, क्योंकि चैनल हमारा चेस से रिलेटेड है, तो बात कुछ अधूरी रह जाएगी। हमारा लास्ट टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स। अगर मैं बात करूं कि भारत का स्पोर्ट्स में क्या योगदान है, या भारत ने कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो भारत ने इजाद किया, तो आपके दिमाग में सबसे पहला जो आने वाला है वो चेस ही आने वाला है। लेकिन आज मैंने कहा था कि मैं चेस की बात बिल्कुल नहीं करूंगा,
आज मैं बात करूंगा ऐसे खेल की जो भारत से जन्मे और पूरे विश्व में कह सकते हैं मनोरंजन करे पूरी दुनिया का। तो पहला खेल है फ्रेंड्स पोलो, और पोलो हमारे यहाँ मणिपुर से जन्मा है। जब भारत में मुगल आए तो मुगलों ने काफी इस खेल को एंजॉय किया। ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने नए नए फॉर्मेट बनाया, इनफैक्ट उन्होंने तो हाथी के साथ पोलो खेलने की कोशिश भी की। ये कुछ इमेजेस हैं मणिपुर के कुछ खिलाड़ी थे जो पोलो खेल रहे थे, आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा एक और काफी इंटरेस्टिंग गेम है जिसके बारे में शायद हमें भ्रांति होंगी, और मैं अगर बात करूं तो क्या आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा खेल है? थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपको बता देता हूं कि पुणे के अंदर जब अंग्रेज आए थे तो उन्हें यहाँ पर एक खेल देखने को मिला, उन्हें वो बहुत अच्छा लगा और उसका नाम उन्होंने रखा, क्योंकि भारतीय भाषाओं में जो नाम होते हैं, दिल्ली में कुछ और होगा तो राजस्थान में कुछ और कहा जाएगा, उसी उसी चीज को महाराष्ट्र में कुछ करेंगे, तमिलनाडु में कुछ और उसका नाम। तो इन्होंने इसका नाम दिया गेम ऑफ पूना। और यहां से इस खेल के उपकरण या खेल के जो भी हम टूल्स कहेंगे वो अपने साथ ब्रिटेन ले गए, और इस खेल को फ्रेंड्स आप देख सकते हैं शटल कॉक या गेम ऑफ पूना का नाम इन्होंने बाद में बदलकर गेम ऑफ बैडमिंटन का, भारत की सबसे बड़ी है। और अंग्रेजों ने इसे आगे बढ़ाया नो डाउट, लेकिन और इतना आगे बढ़ाया कि 1992 में ओलंपिक में भी खेला जाने लगा, और भारत के प्रकाश पादुकोण, इन्हें तो कौन नहीं जानता, और इसके बाद तो पूरी श्रृंखला है बैडमिंटन के अंदर भारतीय खिलाड़ियों की। तो फ्रेंड्स आज की मेरी इस प्रेजेंटेशन में बस इतना ही, और मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरी आज की प्रेजेंटेशन आपको कैसी लगी, और जितने मैंने आपके सब हाँ सब टॉपिक्स बनाए हैं, एस्ट्रोफिजिक्स, मैथमेटिक्स, मेटलर्जी एंड इवन स्पोर्ट्स या मेडिसिन, जो भी है जिसके बारे में भी आप मुझे कहेंगे, मैं उसी की सीरीज को सबसे पहले शुरू करूंगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल इंतजार रहेगा, और एक बार फिर दोबारा नए साल की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि ये साल आपके लिए बहुत मंगलमय होगा, और फ्रेंड्स जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और सबसे बड़ी बात मेरे इस YouTube चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर जरूर करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।